जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र में हर किसी को ये अधिकार दिया गया है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रख सकें। हम सभी ये जान रहे हैं और पूरा बिहार नहीं बल्कि पूरा भारत जान रहा है कि हम लोगों ने समान काम समान वेतन के मुद्दे पर सरकार से लगातार 8-9 सालों से लड़ाई लड़ी है। यही वो सरकार है और यही वो न्यायालय है। न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने हमको पूर्ण रूप से आदेश दिया सरकार को कि आप इनको शिक्षकों को समान काम समान वेतन का आप जो है पूरा लाभ दीजिए। लेकिन यही सरकार अपने फरियादों को छोड़ करके, अपने कर्मचारियों को छोड़ करके वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ उन्होंने केंद्र सरकार से मिल करके, मिलीभगत से सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करके शिक्षकों के ऊपर में अपना गलत फैसला लादा। साथ ही साथ शिक्षकों ने जब आंदोलन का रुख तैयार किया अपनी मांगों के लिए, जो लोकतंत्र में सबको दिया हुआ है, ये फांसीवादी सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र की सरकार है। लेकिन हमें ये कहते हुए बहुत शर्म होता है कि हम ऐसी सरकार में जीते हैं, ऐसे राज्य में जीते हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से जब लोग धरना करने के लिए गए, प्रदर्शन करने के लिए गए, मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को, सारी सरकार को सूचना दे के हम गए पटना की धरती पर। 2 लाख हमारे शिक्षक एक साथ वहाँ पर कूच किए, सारा पटना जाम हो गया। लेकिन ये सरकार लोगों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने क्या किया, आज का मुद्दा बताइए। आज का मुद्दा यह है कि वहाँ हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। पुलिस दमन की कार्रवाई की गई जैसे अंग्रेजों के समय में होता था, वही कार्रवाई की गई। हमारे 5 साथी 6 साथी अभी जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, जो कि एक क्रांतिकारी हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनकी रिहाई के लिए आप लोग, उनकी रिहाई के लिए हम लोग यहीं नहीं, पूरे बिहार में संयुक्त शिक्षक मोर्चा के तहत और समन्वय समिति के तहत, जिसमें सभी शिक्षक संगठन हैं, वे सभी मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं। और पूरे राज्य में आज के दौर में, इसी समय में, सभी जगह प्रतिवाद मार्च चल रहा है। और सरकार को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये शिक्षक हैं, ये चाणक्य हैं, अगर आपने शिक्षक की धैर्य की परीक्षा ली और लगातार इसी तरह दमनिया कार्रवाई की पुलिस के द्वारा, तो ये शिक्षक अब अंत में चाणक्य बनेंगे। वे अपनी शिखा खोलेंगे और सरकार की चूल को हिलाने का काम करेंगे। और 2020 में उनको ये सोचना पड़ेगा कि या तो वो समान काम का समान वेतन देंगे और नहीं तो वे वापस अपने घर जाएंगे। मेरा